कल राहुल गांधी जी ने सदन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कलई खोलने का काम किया, हिंदुत्व को समझाने का काम किया, और उन्होंने हिंदुत्व असलियत में हिंदू क्या धर्म क्या है उसको सामने लाने का काम किया, वो निश्चित ही काबिले गौर था, काबिले तारीफ था। कल राहुल गांधी ने इनकी कलई खोल दी कि क्या असली हिंदुत्व है, कौन हिंदू है और कौन हिंदुत्व का विरोधी है, ये कल उन्होंने सदन में साबित कर दिया। उन्होंने कहा डरो मत और न डराओ। उन्होंने भगवान शिव की जब अभय मुद्रा दिखाई तो बीजेपी वाले सकते में आ गए। कभी प्रधानमंत्री खड़े हो जाते थे, कभी अमित शाह खड़े हो जाते थे, कभी राजनाथ सिंह खड़े हो जाते। इनके नेताओं में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे। उन्होंने सदन की जो परंपरा है उनको तोड़ने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष के बोलते समय कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति बीच में टोका टोकी करे, लेकिन कल प्रधानमंत्री भी व्याकुल हो गए और खड़े हो गए। राजनाथ सिंह जी व्याकुल हो गए जब उन्होंने कहा अग्निवीर योजना ने देश को कमजोर करने का काम किया है, आपने युवाओं का के साथ छल किया है, उनको ना आप शहीद का दर्जा देते हैं, ना उनके मरने के बाद उनको जो सुविधाएं मिलती वो देते हैं, ना कैंटीन फैसिलिटीज है, ना उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज है, ना उनको पेंशन मिलेगी। तो अमित शाह जिन्होंने ये शहीद का दर्जा छीना है, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा जब वो बढ़ते हैं तो शहीद होते हैं, वही गलती कर गए। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी की नकली हिंदुत्व को एक्सपोज किया उससे बीजेपी में बहुत बड़ी बौखलाहट थी। राहुल गांधी एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक लीडर के रूप में बात रख रहे थे और सदन देख रहा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है। अभी तक नरेंद्र मोदी लगातार 10 वर्षों तक बिना नेता प्रतिपक्ष के काम कर रहे थे तो पता नहीं चल रहा था कि क्या डिफरेंस है, लेकिन जो एक डिफरेंस है दो लीडर्स के बीच में वो कल साफ दिखाई दिया। पूरे सदन में अमित शाह, मोदी, राजनाथ सिंह सब बौने दिख रहे थे राहुल गांधी के सामने, और जिस तरीके की मुद्रा वहां पर बीजेपी के भी सांसदों में दिख रही थी ऐसा लग रहा था वो भी राहुल गांधी की बात से कहीं ना कहीं सहमत है। मैं देख रहा था लगभग 20-30% सांसद बीजेपी के वैसे थे जो जब राहुल गांधी बोल रहे थे वो मूक दर्शक की तरह देखने के लिए मजबूर थे। राहुल गांधी की एक एक बात में सत्यता थी, उनकी एक एक बात में लग रहा था कि कितना ये नौजवान कितना पढ़ा लिखा है। उनके वक्तव्य में एक पढ़े लिखे व्यक्ति की झलक दिख रही थी, उनकी पर्सनैलिटी साम दिख रही थी। कल राहुल गांधी जी की जो पर्सनैलिटी दिखी है हमने उसको देखा है, हम पहले से राहुल गांधी जी के फैन हैं, राहुल गांधी जी को बहुत पसंद करते हैं, उनके काम करने की शैली को पसंद करते हैं, लेकिन कल के दिन तो ऐसा हो गया कि मन करता है कि उनके आइडियोलॉजी पर, उनके जो दिशा है उस पर हम लोग भी अपने आप को डालते हुए भारत की रक्षा में लग जाए। राहुल गांधी जी कल आपने सबका दिल जीत लिया। इस भारत के वो सभी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो चीजों को ढंग से समीक्षा कर सकते हैं वो सब आपके कायल हैं। और मैं उन पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो गोदी मीडिया से इंस्पायर्ड नहीं है, जो किसी बड़े घराने से इंस्पायर्ड नहीं है। कल बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि राहुल गांधी जी के संसद के बयान को तोड़ मोड़ कर दिखाएं, उनको हिंदू विरोधी दिखाएं, लेकिन उन मीडिया के कर्मियों को, उन पोर्टल वालों को, उन सोशल मीडिया में अपने कमेंट्स डालने वालों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कल सदन की असलियत को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और बीजेपी का षड्यंत्र जो है वो षड्यंत्र धरा का धरा रह गया। आज राहुल गांधी ने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है, आज राहुल गांधी को चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अब दिन बदल रहे हैं। ये भारत माता जिसके संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, ये भारत माता जिसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही थी उससे लड़ने वाला एक योद्धा कल हमारे को अपने सामने दिखाई दिया है। हमारी हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस के उन सभी सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राहुल गांधी जी के संग कंधे से कंधा मिलाकर कल की इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। भारत जोड़ो यात्रा से ही समझ में आ गया था एक गांधी, ऐसा गांधी जो संत भी है, जो लीडर भी है, जो बुद्धिमान भी है, जो सब कुछ होते हुए बहुत शालीन है, जिसके अंदर अभिमान का एक क्षण भी नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं है, ऐसा एक नेता इस हिंदुस्तान में जन्म ले चुका है और आने वाला स्वर्णिम समय भारतवर्ष का आने वाला इस बात की उम्मीदें हमारी बड़ी है। मैं राहुल गांधी जी को सल्यूट करता हूं। कल का उनका जो दिन था सदन में, जो उनका वक्तव्य था, आज तक मैंने उनके जितने वीडियोज देखे, जितने उनके कार्यक्रम देखे हैं, ये बेस्ट था। आज तक के जितने भी चीजें थी उन सबका रिकॉर्ड राहुल गांधी जी ने तोड़ा है और कल बीजेपी और आरएसएस की बौखलाहट देखने लायक थी। हम बहुत प्रसन्न हैं।